أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं हूं आप सबका मुआवन मददगार मुशरफ महमूद और आपको इल्म अदब अकेडमी से खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम रखे। जिस तरह के आप जानते हैं हम ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। हमारी वर्कशॉप चल रही है, 1 वीक की वर्कशॉप है। इसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज 6ठा लेक्चर है। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग में आना चाहते हैं, तो वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपनी नौइयत की पहली कोशिश है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 5 वीडियोस हो चुकी हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि बात का फ्लो बने। आज बहरहाल इसका 6ठा लेक्चर है, 7वां आखिरी लेक्चर होगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा नजर आ रहा है आपको 1 वीक ऑनलाइन वर्कशॉप है जी। टॉपिक क्या? ऑनलाइन टीचिंग गाइडेंस प्रॉब्लम्स एंड द सजेशंस। और मैं मुशरफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। तो हम शुरू करते हैं 6ठे लेक्चर से। 5वें लेक्चर में उन्होंने देखा था कि एक मुअल्लिम में टीचर में क्या क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम देख चुके हैं। और आज 6ठे में हम देखेंगे कि एक मुअल्लिम के अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ज़ाती औसाफ। देखिए दो तरह के ज़ाती औसाफ और चीज़ है कि यानी एक टीचर को बहसियत इंसान कैसा होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ या पेशावराना औसाफ और चीज़ है कि उसको एज ए टीचर कैसा होना चाहिए। तो हम ये देख चुके हैं कि एक उस्ताद की प्रोफेशनल क्वालिटीज़ यानी बहसियत उस्ताद कैसा होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि उसको बहसियत इंसान कैसा होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी जनाब, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज की क्लास, मुअल्लिम के ज़ाती औसाफ यानी पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर। सबसे पहले तो एक टीचर को अपनी खुदी से आगाह होना चाहिए। हज़रत इकबाल ने ये लफ्ज़ खुदी बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया था, यानी वो जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है सेल्फ रिकॉग्निशन, यानी अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना कि मैं बहसियत इंसान कौन हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने किस लिए तख्लीक किया, मेरी तख्लीक का मकसद क्या है, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरा और कायनात का आपस में क्या रिश्ता है, मैं कायनात पर किस तरह असरअंदाज होता हूँ, कायनात मुझ पर किस तरह असरअंदाज होती है। इन सब चीज़ों का शऊर हासिल करना, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना, इसको कहते हैं खुदी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने आप को पहचाना, गोया उसने अपने रब को पहचाना। जब मुझे ये पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, तो फिर मुझे ये भी समझ आ जाएगी ये कायनात क्यों बनाई गई, फिर मुझे ये भी समझ आ जाएगी कि मेरा रब कौन है। इसको कहते हैं खुदी। तो एक टीचर को अपनी खुदी से आगाह होना चाहिए। डेफिनेट आप लोग आगाह होंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात इसलिए कर रहा हूं कि यही चीजें आपने इसी तरह से आगे स्टूडेंट्स को समझानी है कि वो अपने मकाम से आगाह हो, अपनी खुदी से आगाह हो। देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा अर्ज करूं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात बनाई हैं, चरिंद परिंद रंद बेशुमार मखलूकात बनाई हैं। जब इंसान ये दावा करता है कि वो नायब खुदा है, ये अशरफुल मखलूकात है, तो किस बुनियाद पर है? देखिए इंसान खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, घर बनाता है, ठिकाना बनाता है, रिस्क जखीरा करता है, नस्ल को बढ़ाता है, मर जाता है। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा काम है जो जानवर नहीं करता? ये सारे काम जानवर भी करते हैं, या शायद कुछ जानवर इंसान से ज्यादा बेहतर अंदाज से इस काम को करते हैं। तो फिर इंसान किस बुनियाद पर शुभ मखलूकात है? तो वो बुनियाद क्या है कि एक जानवर, एक परिंद, एक दरिंद, उनका मकसद हयात नहीं होता, वो एक जिबली जिंदगी गुजारते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। जिबली जिंदगी क्या होती है ये वजात कर दूं, क्योंकि उर्दू कमज़ोर होती है ख़ासतौर पे साइंस टीचर्स की, यानी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेड क्वालिटीज़। देखिए इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, उसको सिखाया जाता है आपने चलना कैसे है। माँ बाप चलना सिखाते हैं, लेकिन आप देखिए मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलता है,
वो निकलते ही चलना शुरू कर देता है, उसको सिखाया नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर पहले से ये सलाहियत मौजूद है, वो जानता है किस तरह चलना है। इसी को इंग्लिश में इनहेरिटेंट क्वालिटीज कहते हैं, उर्दू में जिबली सिफात कहते हैं। तो जानवर चरिंद परिंद तो अपनी जिबली सफात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, यानी उसके अंदर एक प्रोग्राम फीड है, उसके मुताबिक उसे ज़िंदगी गुजारनी है। उसका कोई मकसद हयात नहीं होता, उनमें रिश्ते नहीं होते, रिश्तों का तकद्दस नहीं होता, दूसरी दुनिया का तसव्वुर नहीं होता, आखिरत का तसव्वुर नहीं होता, नेकी बदी का तसव्वुर नहीं होता। जबकि इंसान एक मकसद हयात लेकर आता है, उसको ये भी पता है कि उसने मर जाना है, उसको ये भी पता है मरने के बाद एक दिन दोबारा ज़िंदा किया जाना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। जो इन सब चीज़ों को जान जाएगा, हम कहेंगे कि मकामे खुदी तक पहुंच चुका है। एक उस्ताद उस्ताद नहीं हो सकता जब तक वो मकामे खुदी तक ना पहुंचे, यानी जब तक एक इंसान को अपनी जात का शऊर ही ना हो कि उसको दुनिया में क्यों भेजा गया है, तो वो अच्छा उस्ताद तो क्या, मैं तो बल्कि कहूंगा वो अच्छा इंसान ही नहीं हो सकता। अगर मैं इस बात को इस तरह करूं कि अगर एक शख्स को अपने मकसद जिंदगी से आगाही ही नहीं है, तो मुझे कहने दीजिए कि वो तो फिर जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। मेरा हरगज़ ये मतलब नहीं कि मैं टीचर्स को बता रहा हूँ मकसद ज़िंदगी क्या है, ये टीचर्स वर्कशॉप है, आपसे सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप यकीन ही सब बातें जानते हैं, लेकिन आपने ये सब बातें अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करनी है। आगे मैं इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मुख्तसर अगर वाइंड अप करें कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या होता है, मकसद हयात का होता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, फिर इंसान का मकसद हयात क्या है, इंसान को इस कायनात में क्यों भेजा गया, ठीक है जी। तो वो देखिए, एक मुसलमान की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए, उसका रब राजी हो जाए। मुसलमान हर वो काम करेगा कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए, हर उस काम से बचेगा कि उसका अल्लाह उससे नाराज ना हो। मुसलमान का कोई काम करना, किसी काम से बाज आना, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता है, और ये कोशिश आखिरी दम तक जारी रहती है। अब यहाँ ये बात आती है कि अल्लाह की रजा किस बात में है, अल्लाह की रजा किस बात में है। तो अल्लाह की रजा इस बात में है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की जाए। जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह के बंदों के काम आता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। वो एक आपने नज़म पढ़ी होगी, अबू बिन नज़म, अब पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, हज़रत इकबाल उसका एक शेर का तर्जमा करते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, बनों ये दुनिया। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, ठीक है जी। तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। अब अल्लाह के बंदों से कैसे मोहब्बत कर सकता है, मैं चाहता हूं मैं अल्लाह के करीब हूं, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मैं अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करूं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करूं, तो वो किस तरह से करूं, वो इस तरह से करूं कि मैं मखलूक के काम आऊं। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का क्या मतलब कि मैं मखलूक से काम आऊं, मैं हर लम्हे सोचूं कि मेरी जात से दूसरों को क्या फायदा पहुंच सकता है। ठीक है ना, वो क्या है ना मशहूर शेर, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो मैं इस तरह से दूसरों के काम आऊं, तो जाहिर आप समझ गए हैं हम क्यों ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, बच्चों को तदरीस करते हैं, इवन फ्री क्लासेस भी, जाहिर है हमें पेट भी लेनी पड़ती है, घर भी तो चलाना है ना, पेट भी लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ फ्री भी नहीं। सारी फ्री लेंगे आपका घर नहीं चलेगा, ठीक है जी, सारी पेड़ लेंगे तो फिर ये आप अपने मकाम से इंसान गिर जाता है। आप कुछ फ्री भी लें, कुछ पेड़ भी लें। मेरी ख्वाहिश होती है कि अगर मैं 5 क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो उनमें से एक फ्री पढ़ा रहा हूँ, 4 के पैसे ले रहा होता हूँ, 10 में से 2, यानी 20% आपका काम फ्री भी हो। इससे क्या होगा, जब आप फ्री काम कर रहे होते हैं, एक तो खुद आपको सुकून मिलता है कि आप नेकी का काम करते हैं, अल्लाह राजी होता है, मखलूक के काम आते हैं, ठीक है जी, और अल्लाह तो इसका जब सिला देगा, यकीनन देगा, लेकिन खुद हमें भी एक सुकून सा महसूस होता है। एक अच्छा टीचर कौन होता है, वो अपनी खुदी से आगाह होता है
और ना सिर्फ खुद आगाह होता है बल्कि बच्चों को भी उनकी खुदी से आगाह करता है। हजरत इकबाल का शेर सुने, फरमाते हैं कि ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। यानी अपनी मंजिल में खुद हूं, जब मैंने अपने आप को पहचान लिया तो गोया अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो आप मखलूक खुदा की खिदमत कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग में कि कुछ लेक्चर ज़रूर फ्री पढ़ाएं, आपका नाम भी बनेगा, मकाम भी बनेगा, पॉलिश भी होंगे, लोगों का फ़ायदा भी होगा, मखलूक का फ़ायदा भी होगा, आप नेकी भी कमाएंगे। ठीक है जी, हम इसी को कहते हैं हुकूकुल इबाद। ठीक है जी, अपने लिए तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारी कोशिशों का कुछ हिस्सा अल्लाह की मखलूक के लिए भी होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अपने घर को तो सारा सब सियाने होते हैं लेकिन कुछ काम नेकी के लिए भी किया जाता है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि उस्ताद में कौन कौन से जाती औसाफ होने चाहिए। तो वो खुदी से आगाह हो, वो मखलूक खुदा की खिदमत से आगाह हो, और आगे हम देख रहे हैं कि बिला मुआवजा तदरीस के दुनियावी फायदे, ये दुनियावी जिसको आप दुनियावी कहते हैं, दुनिया के फायदे, आखिरत का फायदा तो है ना, दुनिया के फायदे की बात मैं करूं तो दुनिया भी फायदे क्या है। जब हम मुफ्त ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं क्लासें तो ना सिर्फ तरबियत कर रहे होते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर रहे होते हैं जिसके हमें जाहिर भी और दुनियावी यानी दुनियावी फायदे भी हासिल होते हैं, जाहिर जो नजर भी आ रहे होते हैं। किस तरह, बात को समझिए। एक तो यह है कि मुफ्त पढ़ा के अब दूसरों का फायदा कर रहे होते हैं तो दूसरों का फायदा नहीं कर रहे होते, वहां आपका अपना भी फायदा हो रहा होता है। जब आप ये नेकी कर रहे हैं, दूसरों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, तो साथ आप दूसरों का नहीं, आप साथ अपना फायदा भी कर रहे हैं। जब आप फी सबीलिल्लाह काम करते हैं तो दिल को खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है कि हम इस धरती पर बोझ नहीं है। देखिए, आप किसी के काम नहीं आ रहे, आपसे मतलब सॉरी आप निकल गए, नहीं कोई एक किसी शख्स की मिसाल, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, यानी अगर एक शख्स किसी के काम नहीं आ रहा तो फिर वो शख्स सिर्फ धरती पर बोझ है, उसको खुद भी एहसास होता है मैं धरती पर बोझ हूँ। जब आप दूसरों के काम आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप धरती पर बोझ नहीं है, आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँच। देखिए, ये खुद एक पुरसकून बात है कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे। अब देखिए, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और ज़ाहिर है आपने इसके लिए पे नहीं किया, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए क्लासेस तैयार कर रहा हूँ, अब अगर इससे आपको फ़ायदा होता है, मेरी इस काविश से आपको फ़ायदा होता है, तो आप यकीनन मेरे लिए दुआ तो करेंगे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मुआवजा होगा। ठीक है जी, फिर एक और अहम बात समझे, जब आप ऑनलाइन किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता होते हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो फ्री काम कर रहे होते हैं बगैर मुआवजे के कर रहे होते हैं, जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो देखिए वो क्योंकि फ्री काम कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छे लोग हैं, वो मुआवजे के लालच में नहीं आए। जो नेकी के जज्बे के तहत इकट्ठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक अच्छी टीम मिल जाती है, आप एक अच्छी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आप एक पुरखलूस टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आप उनको बहुत कुछ सिखाते भी हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि आप एक ऐसी टीम में आ चुके हैं जिनका मिशन है दूसरों के काम आना। तो इस तरह की खूबसूरत टीम में भी आप बहुत कुछ सीख और सिखा रहे होते हैं। ठीक है जी, खासतौर पे जो न्यू टीचर्स हैं, मैं आपसे बार बार अर्ज़ करूँ, जो नए टीचर हैं वो तो फ्री क्लासेस ज़रूर लें, वो ज़रूर लें। ठीक है जी, एक वजह होती है नौजवान होते हैं, उन पर घर का खर्चा नहीं होता, उन्होंने घर नहीं चलाना होता। ठीक है जी, अब मेरी उम्र में आके तो मैंने तो घर भी चलाना है ना, बड़ी सिंपल सी बात। अगर मैं मेरी अपनी ऑनलाइन एकेडमी अगर मैं सारी फ्री क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा तो बताइए मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे अपना किचन भी मेंटेन रखना है, अपना घर भी चलाना है। लेकिन जब आप नई नई टीचिंग में आते हैं तो आप पे माली बोझ नहीं होता। ठीक है जी, उस वक्त आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। मैं तो ये करता हूँ जिस तरह किया कि अगर चार पेड़ लेता हूँ तो एक फ्री भी लेता हूँ ताकि साथ मखलूक का भला भी होता रहे, जिस तरह ये वर्कशॉप भी ज़ाहिर है आपकी फ्री हो रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, एक तो ये फ़ायदा हो गया, दूसरा आपको ज़ात तौर पे ये फ़ायदा होता है कि आप खुद भी आपके काम में निखार आते हैं। देखिए,
अगर आप नए टीचर्स हैं या टीचर बनना चाह रहे हैं, आप जहाँ जाएंगे ना, आपसे पहले सवाल पूछा जाएगा आपका एक्सपीरियंस क्या है। अभी बड़ी अजीब बात है, और भी कोई आपको जॉब देगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। आप जहाँ भी जॉब के लिए जाएं और आपको यही पूछा जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस हम नहीं रखते, फिर आप जॉब कैसे करेंगे? भाई कहीं कोई रखेगा तो आपका एक्सपीरियंस होगा ना। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आप फ्री ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको तजर्बा आएगा, आपके काम में निखार आएगा, पुख्तगी आएगी, मेच्योरिटी आएगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छे बच्चों से भी सीखेंगे, पढ़ने वाले बच्चों भी सीखेंगे, शरारती बच्चों से भी सीखेंगे, नलायक बच्चों से भी सीखेंगे। रिजल्ट ये होगा कि अब आप एतमाद से कह सकते हैं कि जी सर, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी टीचिंग में हूँ। तो आपके अंदर एतमाद भी आएगा, वरना आपको कोई जॉब देगा ही नहीं, वो कहेगा आपके पास तजर्बा नहीं है। और तजर्बा आप कहाँ से हासिल करें, उसका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही है, ठीक है जी। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जॉब के लिए वो सबसे पहली बात तजर्बा मांगते हैं। नेक्स्ट चलें जी, हम आज देख रहे हैं कि एक टीचर में ज़ाती और साफ पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं, पूरे एतमाद उस्ताद बनना चाहते हैं कि एक अच्छे काबिल उस्ताद बने, तो उसकी एक बड़ी बुनियादी शर्त है, बहुत ही बुनियादी शर्त है कि आपको कसीरुल मुतालिया होना चाहिए, यानी आप कुतब पढ़ें। ये सिर्फ सिलेबस की नहीं, सिलेबस की तो पढ़नी पढ़नी है, सिलेबस के अलावा आपका मुतालिया हो, यानी आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी। आप अगर आप देख रहे हो तो आपको ये देखिए मेरी पुश्त पे एक लाइब्रेरी नजर आ रही है, मेरी ये अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, मैंने घर में स्टूडियो बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स मौजूद है। आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आपका आई क्यू लेवल बढ़ता है, आपकी अप्रोच बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है, आप में पुख्तगी आती है, आपके काम में एतमाद आता है, आपके लहजे में एतमाद आता है, ठीक है जी। मैं समझता हूँ माजरत के साथ, वो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता जो किताबें ना पढ़ता हो। जब आप किताबें पढ़ते हैं आप में एतमाद आता है, वो एतमाद आपकी शख्सियत में, आपके अंदाज़ गुफ्तगू में, अंदाज़ नशिस्त व बर्खास्त यानी उठने बैठने के अंदाज से पता चलता है, वह एतमाद ही कुछ और होता है। अगर सिर्फ आपके पास अपनी सिर्फ सिलेबस की किताब का इल्म है तो आप ये एतमाद कभी भी गेन नहीं कर सकेंगे। आप अपने सब्जेक्ट की एडिशनल किताबें भी पढ़ें, लेकिन साथ मैंने लिखा कसीरुल जहती मुतालिया भी करें। तो शायद कुछ को लफ्ज मुश्किल लग रहा हो, कसीरुल जहती यानी आप ये यू कैन से इन इंग्लिश मल्टी डायमेंशनल बुक्स भी पढ़ें। अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं तो सिर्फ फिजिक्स की किताबें ना पढ़ें, कुछ केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई शायरी, कोई अदब भी पढ़ लें। और ये सब के लिए ही बात है कि अपने सब्जेक्ट पे तो आपको ग्रिप हो, लेकिन एक टीचर कुएं का मेंढक नहीं होता कि उसे अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं आता, वो कोशिश करता है बाकी भी महारत हासिल करने की, ठीक है जी। अब जब टीचर के पास ज़्यादा इल्म होता है, अपने सब्जेक्ट के अलावा भी होता है, तो ज़ाहिर है उसकी कमांड कुछ और होती है, काबिलियत कुछ और होती है, बच्चे उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ मोस्टली टीचर्स कौन से होते हैं, जो वो स्टूडेंट्स से उन्होंने चंद किताबें पढ़ी, इम्तहान दिया, पास हो गए, और फिर सारी ज़िंदगी तौफीक ही नहीं कोई और किताब पढ़ने की, यानी वो किताब जो उन्होंने खुद 10 साल पहले, 15 साल पहले पढ़ी थी, अब वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसको सादा लफ्ज़ों में क्या कहेंगे कि अपने आप को अपडेट नहीं किया। बड़ी मदद करूं, ये होता है, मैं सबकी टीचर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं करते। जो उन्होंने शुरू में किताबें पढ़ी थी BA, BSc, MA, MSc में, बस उसी पे चल रहे हैं, उसके बाद ना उन्होंने अपने कोर्स की कोई किताब पढ़ी ना कोई दूसरी किताब पढ़ी, यानी अपने आप को अपडेट नहीं किया। और अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, यकीन कीजिए बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं एक ही बात जो जोर दे के कर रहा हूं बार बार कि आपको कसीरुल मुतालिया होना चाहिए। जाहिर है किताब की अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन बात क्या होती है जी, हम किताबें तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें, किताबें महंगी हो गई हैं, हमारी रीच में नहीं है, महंगी हो गई हैं, सफेद पोश तबका यानी जिसको वाइट कलर कहते हैं वो किताब खरीद नहीं सकते। माजरत के साथ मुझे इस बात पर भी इख्तलाफ है, मसला ये नहीं कि किताब महंगी हो गई है, मसला ये है कि किताब खरीदना हमारी तरजीह नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज में नहीं आता किताब खरीदना,
हम और चीज़ें खरीद लेंगे और हम समझेंगे किताब खरीदना एक फजूल सा अमल है। एक बड़ी खूबसूरत उर्दू की राइटर हैं, नकाद हैं, यकीन आप जानते होंगे, मोहतरमा डॉक्टर सैयदा आरिफ जहरा साहबा। वो फरमाती हैं, मेरा जी चाह रहा है मैं पूरा का पूरा कोड करूँ उनका जो सेंटेंस। वो कहती हैं कि जी, किताबों के वाले से मोहतरमा फरमाती हैं, वो कहती हैं हमें 1,000 का पिज़्ज़ा सस्ता लगता है। कोई बात नहीं, 1,000 रुपये है ना, हमें 1,000 का पिज़्ज़ा सस्ता लगता है, 4 लोग खा सकते हैं, और उसके साथ एक पेप्सी की बोतल राहत जां के लिए मुफ्त साथ आती है। 1,000 का पिज़्ज़ा खा लिया। लेकिन जब कोई हमसे कहता है कि 500 की किताब खरीद लो, तो हम कहते हैं कि किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। 1,000 का पिज़्ज़ा 4 लोग खाते हैं और सुबह तक उसे किसी तहजीब में शुमार नहीं किया जाता, जबकि 500 की किताब एक शख्स खरीदता है और शायद 100 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमेशा तहजीब के दायरे में शुमार की जाती है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें 1,000 का पिज़्ज़ा सस्ता लग रहा होता है, 500 की किताब महंगी लग रही होती है। चले जी, तो अर्ज करने का मतलब ये था कि ये ना कहें किताबें महंगी हैं, ये कहें कि किताब हमारी तरजीह में नहीं है। या मैं एक अजीब बात आपसे शेयर करूं, मैं भी गलत हो, लेकिन इत्तफाक कैसे हो सकता है। मैंने अक्सर नोट किया है कि बुक शॉप पे, क्योंकि उनको बचता कुछ नहीं, वो किताबों की दुकानें कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जहाँ किताब की दुकान ख़त्म होती है ना, तो वह जूतों की दुकान बन जाती है। यकीन कीजिए, मैंने बहुत जगह पर नोट किया कि एक जगह जो बुक शॉप थी, बुक शॉप खत्म हुई तो वह जूतों की दुकान बन गई। वजह क्या है, किताब बेचने वाले की इनकम कम है, जूते बेचने वाले की इनकम ज्यादा है। तो मैं बड़ी तकलीफ से एक बात कर रहा हूं, मैं बहुत तकलीफ से एक बात कर रहा हूं, अगर आप मेरी तकलीफ को महसूस कर सकें, कि जिस मुल्क में जूतों की कदर किताब से ज्यादा हो। हम जूता महंगा खरीद लेते हैं, किताब नहीं खरीद सकते। जूते शोकेस में सजे होते हैं, किताबें फुटपाथ पे बिक रही होती हैं। जिस कौम में जूतों की कदर किताब से ज्यादा हो, तो उस कौम को किताब की नहीं, जूतों की जरूरत है। यह हकीकत है जो मैं बड़ी तकलीफ से बयान कर रहा हूं। चलें जी, फिर भी एक बात है कि मैं जो भी कह लूं कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, हम किताब कहां से खरीदें, हम पढ़ना चाहते हैं, किताब नहीं है, तो उसका भी एक बड़ा आसान सा हल है। अब ऑनलाइन आपको डिजिटल बुक्स मिल जाती हैं नेट पर, और वो फ्री होती हैं। यानी आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, आपने सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना होता है, तो वो क्या कहते हैं जी, हमने कोई काम करना हो तो तरीके 100, ना करना हो तो बहाने 1,000। तो ठीक है, आप अगर अफोर्ड नहीं कर रहे, किताब महंगी है या मिल, दो बातें ना, किताब महंगी है या आपको मिल नहीं रही, आप एक क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाती है। बेहतर तो यह किताब खरीद के पढ़े। जब हाथ में किताब एक हार्ड कॉपी होती है, उसका एक अपना ही मजा है। लेकिन अगर आपको किताब अवेलेबल नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे, तो फिर बहरहाल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होती है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती है, ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल होती है, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। मेरे पास जो फिजिकल किताबें हार्ड में मौजूद हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हज़ारों में है। और मेरे पास कंप्यूटर में जो पीडीएफ है, वो भी हज़ारों में बुक्स मौजूद हैं। बल्कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पर कि उर्दू अदब की 1,000 किताबें, उर्दू और अंग्रेजी दोनों की किताबें, तो मेरे पास को मेरे ख्याल में पीडीएफ में कोई 10,000 से भी ज़्यादा होंगी, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी अदब की 1,000 अच्छी किताबों की मैंने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है जी, उसमें फिर एक अलग से लिस्ट बनाई है उर्दू की 50 बेहतरीन किताबें। यानी एक तो 1,000 बुक्स की लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें उर्दू इंग्लिश की अच्छी बुक्स हैं, 50 की लिस्ट अलग है, यानी 50 उर्दू की ऐसी बेहतरीन बुक है जो हर उस्ताद को पढ़नी चाहिए। हर उस्ताद को, सिर्फ उर्दू के उस्ताद को नहीं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो पाकिस्तान में टीचर रह रहे हैं, जो उर्दू बोल रहे हैं, तो 50 किताबों की सिलेक्शन वो है जो हर टीचर को पढ़नी चाहिए। तो मैंने अपने फेसबुक पेज पर वो 50 किताबें अलग दी हुई हैं,
जो हर एक को पढ़नी चाहिए। उसके अलावा 1000 किताबें अलग हैं और उसको मैंने तरतीब से अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तरजीह के नाम से लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ीन के नाम साथ लिखे हुए हैं। वो मैं अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वो वहाँ से आप अपनी पसंद की कोई सी भी 4-5 किताबें मुझसे ले सकते हैं, उनको पढ़ें फिर 4-5 और ले लें। तो मतलब यह है कि अगर पढ़ना चाहें तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। मेरे पास तरतीब से 50 बेहतरीन बुक्स भी हैं और 1000 सेलेक्टिव बुक भी तरतीब से मौजूद हैं। आप मुझसे रब्ता करके वो PDF शक्ल में ले सकते हैं, ठीक है जी। तो वो फेस ग्रुप की जो पोस्ट है PDF बुक की, मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के लिंक में। नेक्स्ट चले जी, हम देख रहे हैं कि एक उस्ताद के अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। लाइव क्लासेस में अल्फाज के चुनाव में खास एहतियात। देखिए, हम बहुत दफ़ा बोलते हुए नहीं सोचते कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम नहीं सोचते बहुत दफ़ा बोलते हुए। अगर आपने गलत बात हो गई है या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है फिजिकल क्लास में, तो फिजिकल क्लास में आपके पास ये मौका होता है, आप बच्चों को कह देंगे बेटा मैंने जो बात कही थी वो गलत थी, इसकी करेक्शन कर लें। फिजिकल क्लास में आपने गलत बात कर दी, आप जब आपको समझ आए आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास आपकी चली गई उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। वो तो चली गई, आपने ऑनलाइन डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, दुनिया में चली गई, तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकती। तो फिजिकल क्लास, वैसे तो टीचर गलती नहीं करता, लेकिन फिजिकल क्लास में टीचर के पास गलती सुधारने का मौका होता है, ऑनलाइन क्लास में उसके पास ये मौका नहीं होता। तो बहुत एहतियात से अल्फाज का चुनाव करें। हम जो अल्फाज बोलते हैं साथ-साथ बच्चे उनका बहरहाल असर कबूल करते हैं, ठीक है जी। और जाहिर है कि देखें, अगर आप फेसबुक पोस्ट पे गलत लिख दिया आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव आपने वीडियो क्लास कर दी तो वो मुमकिन नहीं होता उसको बाद में एडिट करना। तो लिहाजा आप ऑनलाइन जब क्लास कर रहे हो तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। हम देख रहे हैं कि उस्ताद में कौन से जाती औसाफ होने चाहिए। एक और देखिए, नंबर 6 पॉइंट, शख्सियत की हकीकी अकासी। आप अपने आप को स्टूडेंट के सामने वही पेश करें जो आप हैं, जो आप हैं। हम क्या करते हैं, कहीं अपने आप को ओवर इस्टीमेट कर देते हैं, यानी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा आलम काबिल जाहिर करते हैं कि मुझ जैसा तो कोई काबिल बंदा ही नहीं है। हम अपने आप को ओवर इस्टीमेट कर जाते हैं, यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, और कभी इनकसारी में बिल्कुल ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जनाब मैं तो बिल्कुल ही जाहिल, पक्का जाहिल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दोनों बातें गलत हैं। आप जो हैं स्टूडेंट के सामने वही बने। जब आप कहेंगे तुम बिल्कुल मैं नीरा जाहिल, जाहिर स्टूडेंट पर गलत असर पड़ेगा। जब आप कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा काबिल, मैं इस दौर का फलातून, मैं इस दौर का रस्तू, तब भी गलत असर पड़ेगा। आप जो हैं वही बने, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के भी पेश ना करें और डिफेंसिव भी ना हो। दोनों शक्लों में अफरात और तफरीत, यानी ना बड़े बने ना छोटे बने, ठीक है जी। देखिए, आज की नस्ल बहुत तेज है, आज की नस्ल नए दौर की नस्ल है, इंटरनेट की नस्ल है। मैं जब स्टूडेंट था स्कूल लाइफ में तो सीधी बात है, हमें टीचर्स का पता नहीं चलता था, हमने कभी नहीं देखा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये देखें तो सी टीचर काबिल है या नहीं, इसको आते ही नहीं, यहाँ तक हमारी सोच ही नहीं थी। लेकिन आज की नई नस्ल बड़ी तेज़ है, टीचर जब क्लास में पहले दिन जाता है ना, या ऑनलाइन वो टीचर स्टूडेंट पहली क्लास ले रहा है, वो स्टूडेंट टीचर को तोल लेता है कि इस टीचर की वर्थ कितनी है। आप लाख मुश्किल लफ्ज़ याद करके रोब डालने की कोशिश करें, लेकिन यकीन कीजिए आज की नई नस्ल 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज, ये बहुत तेज़ है, उन पर आप अपना जाली अक्स का रोब नहीं डाल सकते। लिहाजा बेहतर यही है आप जो हैं वही पेश करें, वरना क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स की नज़रों में भी एक टीचर कमतर हो जाता है। इस चीज़ को समझें कि नई नस्ल का IQ लेवल हमसे बेहतर है। वही आपसे अर्ज करता कि हम तो ये जब पढ़ा करते थे तो पूरा साल गुजर जाता था, हमें पता नहीं लगता था। आज टीचर पहले दिन क्लास में जाता है, या आप ऑनलाइन पहले दिन क्लास ले रहे हैं, बच्चे को पता चल जाता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है वर्थ कितनी है। लिहाजा यह शो ऑफ करना बनता नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि चंद मुश्किल लफ्ज़ों को रट्टा लगा लें, चंद मुश्किल टॉपिक्स याद कर लें और जाके बच्चे को सुना दें और बच्चा आपके रोब में आ जाए। बच्चे को ये भी पता चल रहा होता है कि सर जी रट्टा लगा के आए हैं,
ये हकीकत है। बच्चे को पता लग रहा होता है कि टीचर की अपनी काबिलियत है, यह सिर्फ हम पर काबिलियत का रोब डालने के लिए रट्टा लगा के आए हैं। बच्चे इस चीज को समझता है, लिहाजा अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें, जो है वही पेश करें। इसी में ऐड कर लें कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो पूरी तैयारी करके क्लास में जाएं। हमें क्या लगता है, मैं तो बड़ा काबिल हूं, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बस चले गए। यकीन कीजिए, जब नए सिरे से आप तैयारी करते हैं ना, हर दफा जब आप तैयारी करने बैठते हैं आपको कोई नई चीज मिलती है सीखने को। तो ये कभी ना कहें कि मुझे बहुत कुछ आता है। एक अप्रोच बना लें कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, देखिए मैं कहता हूँ जी मैं तो उर्दू पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पिछले 20 साल से उर्दू पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो देख लो दे, मुझे माइक अप करना शुरू हो जाऊंगा, मैं पढ़ा लूंगा, मैं बगैर किताब के भी पढ़ा लूंगा, लेकिन अगर मैं पहले तैयारी करके आऊंगा तो ज्यादा अच्छा पढ़ा सकूंगा। बात यह नहीं है कि आप सीनियर हैं तो आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, आप बगैर तैयारी के पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस चीज को जानिए, इस चीज को रियलाइज कीजिए कि तैयारी करके आएंगे तो आप और अच्छा पढ़ा सकते हैं। यही यह मेरा अर्ज करने का मकसद था। नेक्स्ट चलें जी, हमारे यहां जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं वो अपनी काबिलियत का इल्मियत का रोब डालते हैं और दूसरे रोब में आ जाते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं होती। आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर हैं, आपने एक एमए किया, दो किए, चार किए, एमफिल हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी हैं, आपका जाती मसला है। प्रैक्टिकल आपने कितने भी अच्छे नंबर लिए हैं तो ये तो नहीं होता कि आपने डिग्री गले में लटका के आप फिर रहे हैं कि मैं बड़ा काबिल, मैं बड़ा काबिल। लोग डिग्रियों की वजह से आपकी इज्जत नहीं करते, आपके इल्म की वजह से करते हैं, आपके मुताले की वजह से करते हैं। मुश्ताक यूसुफी उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, तो वो ये बात लिखते हैं कि हमारी जो डिग्रियां हैं ये सिर्फ तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो दुकानदार आपको एक रसीद देता है, रिसेप्ट जिसको कहते हैं, कि आपने चीज़ खरीदी है, लिखी है, तो आपकी डिग्री सिर्फ रसीद है कि आप फलां कॉलेज में, फलां यूनिवर्सिटी में इतने साल रहे हैं और उसने आपने खर्चा किया, ही उसकी रसीद है, ठीक है। लिहाजा किसी की तालीम से खाम खा मुतासर ना हो। ये हो सकता है जिसको हम पढ़ा लिखे जाहिल कहते हैं कि एक बंदे की बहुत ज्यादा तालीम डिग्री हो लेकिन उसका आईक्यू लेवल कम हो, वो अकलमंद ना हो। और ये भी हो सकता है एक बंदे की तालीम कम हो लेकिन उसका आईक्यू लेवल बेहतर हो। तो आप दूसरे के इल्म से तो मुतासर हो, होना भी चाहिए, मुताले से मुतासर हो, डिग्रियों से कभी मुतासर ना हो, ना आप डिग्रियों से मुतासर हो और ना ही अपनी डिग्रियों का दूसरों पर रोब डालें। क्योंकि खासतौर पे पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि डिग्री लेना मुश्किल नहीं है, डिग्री लेना बहुत आसान है। ठीक जी, ये अक्सर नोट किया गया कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनके पास स्किल ज़्यादा बेहतर होती है उसकी निस्बत जिनके पास ज़्यादा डिग्री हो ना, उनको अपनी डिग्री का एक जोम होता है, एक तकब्बर होता है, जी मेरे पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की। वो पढ़ना छोड़ देगा, उसका मुताला रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं, जिसके पास बड़ी डिग्री है ना पढ़ना छोड़ देगा, मैं तो खुद बड़ा काबिल, मैं क्यों पढ़ूँ। जिसके पास बड़ी डिग्रियाँ नहीं है वो कोशिश करेगा आगे बढ़ने की, वो लगा रहेगा। देखिए चलता पानी पाक होता है, चलता पानी पाक है, पानी रुक जाए उस पर काई जम जाती है, बास जम जाती है, स्मेल आती है, बदबू होती है, वो नापाक हो जाता है, आप उसे वजू गुसल नहीं कर सकते। चलता पानी पाक है, आपने बहुत सारी डिग्रियाँ ले ली और फिर तालीम को छोड़ के बैठ गए, मुताला तर्क कर दिया, तो हैसियत बन गई खड़े पानी की। और एक की तालीम डिग्रियां कम है लेकिन मुसलसल पढ़ रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो वो चलता पानी है, चलता पानी बेहतर है खड़े पानी से, इस बात को समझे। लिहाजा किसी की डिग्री से मुतासर ना हो, डिग्री से मुतासर ना हो, खामखा किसी के रोब में ना आए, अपनी काबिलियत पर एतमाद रखें, किसी डिग्री से मुतासर ना हो और ना ही अपनी डिग्री से किसी को मुतासर करने की कोशिश करें। ये क्लास यहाँ मुकम्मल होती है जी। आज हमने देखा कि एक टीचर के अंदर ज़ाती क्या औसाफ होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज ऑनलाइन टीचिंग वर्कशॉप की 6वीं क्लास थी। अगली क्लास इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी, 7वीं क्लास और आखिरी क्लास, जिसमें हम देखेंगे क
कि ऑनलाइन तदरीस के क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है, यानी जब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आते हैं और उनका हल क्या है। ये सातवां और आखिरी लेक्चर होगा, आज छठा लेक्चर था, सातवां इसके बाद आखिरी। आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो देख लीजिएगा। आज की क्लासें ख़त्म होती है जी, सातवें और आखिरी लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।